गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने पिछले दो तीन वीडियोस में चैप्टर वन पढ़ा और उसकी एक्सरसाइजेज वगैरह की। आज हम चैप्टर टू शुरू करेंगे। आपका चैप्टर टू है संस्कृत शब्द परिचय। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो हमने जब कक्षा पांच में देखा था कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसकलिंग होते हैं, और किसी भी शब्द के तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर समझाया गया है। ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। जैसा मैंने आपको एक मिनट पहले बताया कि हमेशा जेंडर तीन ही होते हैं, फिर चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। इंग्लिश में हम उसे मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल कहते हैं, हिंदी, गुजराती और संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कहते हैं। तो संस्कृत में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पहला क है पुल्लिंग, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि छात्र, सैनिक, अश्व। स्त्रीलिंग के एग्जांपल दिए हैं छात्रा, अध्यापिका, माला। और नपुंसकलिंग के एग्जांपल्स दिए हैं कमलम, पुस्तकम, पुष्पम। आपने कक्षा फाइव में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया ही है और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको याद ही होगा कि किसी भी शब्द के पीछे जो हम डॉट डॉट लगाते हैं वो दर्शाता है कि वो शब्द पुल्लिंग है। इसलिए यहाँ एग्जांपल में देखिए क्या कहा गया, छात्र, सैनिक, अश्व। तो आप किसी भी शब्द का लिंग पहचानने के लिए ये ट्रिक आजमा सकते हैं कि भाई पहले दो ट्रिक आजमा सकते हैं। एक तो क्या कि उस शब्द को क्वेश्चन पूछना है कि भाई जैसे कि छात्र है तो हम नॉर्मली गुजराती में क्या कहते हैं के वो, के वी और के वू। ये तीन शब्द, तीन क्वेश्चन पूछने से हमें शब्द का लिंग पता चलता है। और अगर ये ट्रिक ना आजमानी हो तो वो शब्द के पीछे डॉट डॉट है या आ है या म है, क्योंकि ये साइंस है शब्द का लिंग पहचानने की। तो अभी आप आसानी से रिलेट कर सकते हो फॉर्म फाइव में जो भी आपने पढ़ा है वो, कि छात्र बोलने से हमें पुल्लिंग का पता चलता है, यानी कि अ स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट। सैनिक, सोल्जर, मेल। और अश्व, हॉर्स, मेल। जैसे हम मनुष्य में क्या पुरुष और स्त्री होता है, वैसे ही पंछियों में और प्राणियों में नर और मादा होता है। तो अश्व जो घोड़ा होता है वो पुल्लिंग होता है, और अश्वी यानी कि घोड़ी, या तो अश्वा भी कहते हैं उसको, यानी कि घोड़ी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार छात्र, सैनिक, अश्व, पुल्लिंग के एग्जांपल्स समझाए गए, छात्रा, माला, अध्यापिका, स्त्रीलिंग के एग्जांपल्स दिए गए, और कमलम पुस्तकम, पुष्पम इत्यादि नपुंसकलिंग के एग्जांपल्स आपको समझाए गए, दिखाए गए। और उसके बाद आता है लिंग की तरह संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। मैंने आपको शायद वेरी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज दैट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री वचन। बाकी सब लैंग्वेज में क्या होता है कि एक वचन और बहुवचन का ही कॉन्सेप्ट होता है, और संस्कृत एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसमें द्विवचन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। यानी कि
वो भाषा की समृद्धि दिखाता है कि भाई किसी भी दो चीज के लिए आपको कुछ कहना है तो उसके लिए भी आपके पास पर्टिकुलर द्विवचन है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि राम और श्याम जा रहे हैं, तो मैंने क्या प्रयोग किया? राम और श्याम जा रहे हैं, छह शब्द यूज किए। अब मुझे बताना है राम और श्याम के बारे में, तो यानी कि दो वचन के द्विवचन के लिए मुझे बात करनी है, तो हिंदी में मुझे छह शब्द यूज करने पड़े। इंग्लिश में राम एंड श्याम आर गोइंग, पांच शब्द यूज करने पड़े। गुजराती में राम अने श्याम जाय छे, पांच शब्द यूज करने पड़े। अब लुक एट द ब्यूटी ऑफ संस्कृत, जाने वाले दो है तो द्विवचन होगा और क्रिया भी द्विवचन में आएगी, तो सिंपली दो शब्दों में आप कह सकते हो राम लक्ष्मणौ, क्योंकि संस्कृत का नियम है कि दो द्विवचन के बारे में अगर बात करनी है और अगर पुल्लिंग है तो दोनों नाम लेकर लास्ट में औ की मात्रा डाल देंगे तो वो द्विवचन बन जाएगा। तो हमें राम और श्याम की बात करनी है तो मैंने बोला राम लक्ष्मणौ, राम श्यामौ। हिंदी में मैंने क्या बोला था? राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो दैट मीन्स मुझे दो लोगों की बात करनी है तो राम और श्याम दोनों का नाम लेने ले लिया और औ की मात्रा लगा दी, राम श्यामौ। अब जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं तो जाने के लिए गच्छ धातु यूज करना है और क्योंकि दो लोग जा रहे हैं इसलिए तह लगाना है, ती तह अंति वाला तह। तो अब देखिए, पहले मैं हिंदी सेंटेंस बोलता हूं फिर उसका संस्कृत, आप डिफरेंस देखिएगा। राम और श्याम जा रहे हैं, छह शब्द यूज किए। अब संस्कृत में क्या होगा? राम श्यामौ गच्छतः, मैंने दो ही शब्द यूज किए क्योंकि राम श्यामौ एक शब्द कहलाएगा और गच्छतः दूसरा। तो आप देखा, आपने आप आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट जो द्विवचन का है वो भी आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में उतार सकते हैं कि भाई द्विवचन होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर वचन के लिए शब्द है, क्रियापद है आदि। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत में बताया गया कि संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है उसमें बताया गया कि संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के शब्द की तरह लिंग भी तीन प्रकार, वचन भी तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, वो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं पुल्लिंग का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन है छात्र, यानी कि एक छात्र, पुल्लिंग। छात्रौ यानी कि दो छात्र, यानी कि मूल शब्द में औ की मात्रा लगेगी पुल्लिंग में, और छात्राहा यानी कि आहा लगेगा मूल शब्द में, मूल शब्द है छात्र और उसमें आ की मात्रा और डॉट डॉट यानी कि विसर्ग, तो छात्र, छात्रौ, छात्राहा, इस प्रकार पुल्लिंग का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। और मीनिंग क्या होगा? छात्र यानी कि एक छात्र पुल्लिंग, छात्रौ यानी कि दो छात्र पुल्लिंग, और छात्राहा यानी कि बहुत सारे छात्र पुल्लिंग। अब नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है पुल्लिंग के उदाहरण। पहले आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए पुल्लिंग के, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पहले आपको चैप्टर की शुरुआत में ये एग्जाम्पल्स समझाया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द समझाया गया, छात्र, छात्रो, छात्राहा यानी कि पुल्लिंग का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसके बाद इस प्रकार आपको पुल्लिंग के एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे कि पहला शब्द है बाल, तो बाल का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन।
बालह बालौ बालाहा। उसके बाद सैनिक, तो सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। बालः माने एक बच्चा, बालौ माने दो बच्चे, बालाहा माने अनेक बच्चे। वैसे ही सैनिक माने एक सैनिक, सैनिकौ माने दो सैनिक, और सैनिकाः माने अनेक सैनिक। तो इस प्रकार पुल्लिंग के बहुत सारे शब्दों का एग्जाम्पल्स दिया है, मेरे साथ ही आप बोलते जाइएगा। अब आपको पता चल गया है कि फॉर्मेशन किस प्रकार बनेगा। जो मैं शब्द बोलूँगा उसमें एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ और बहुवचन में आहा लगाना है। लेट्स स्टार्ट इट। अध्यापक, तो अध्यापक का पुल्लिंग एक वचन द्विवचन और बहुवचन क्या होगा? अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। और उसका मीनिंग क्या होगा? एक शिक्षक, दो शिक्षक और बहुत सारे शिक्षक। नेक्स्ट है नृप, नृप, न नगाड़े का न, उसके नीचे रू का, रू की मात्रा और प, नृप यानी कि राजा। तो नृप, नृपौ, नृपाः यानी कि एक राजा, दो राजा, अनेक राजा। उसके बाद है गज, गज यानी हाथी। तो गजः, गजौ, गजाः यानी कि एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी। उसके बाद है मयूर यानी कि मोर। तो मयूरः, मयूरौ, मयूराः यानी कि एक मोर, दो मोर, अनेक मोर। उसके बाद है नर यानी कि आदमी, यानी कि आदमी इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि भाई पुरुष। तो नरः, नरौ, नराः, एक आदमी, दो आदमी, अनेक आदमी। उसके बाद है वानर यानी कि बंदर। देख, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश में ऐसा होता है कि भाई पुरुष को ही कहते हैं, स्त्री को शी कहते हैं और बाकी किसी भी चीज़ को इट कहते हैं। बट संस्कृत में ऐसा नहीं है। जैसे संस्कृत इंग्लिश में अगर आपको कहना है कि भाई इट्स एन एलिफेंट या तो इट्स अ मंकी, तो आप इट बोलेंगे, तो इट नपुंसकलिंग होता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे मनुष्य में पुरुष और स्त्री होता है, वैसे ही पंछियों में और प्राणियों में नर और मादा होता है। तो बंदर वो क्या होगा? पुरुष जाति से बिलोंग करेगा और बंदरिया वो स्त्री जाति से बिलोंग करेगा। आपको ये नहीं देखना है कि वो पुरुष या स्त्री है, वो किस जाति से बिलोंग करता है, पुरुष जाति से या स्त्री जाति से। फिर चाहे भले ही ना वो पंछी हो या प्राणी हो, जैसे कि तोता, तो तोता पंछी है बट पुरुष जाति से बिलोंग करता है, और मैना वो भी पंछी है बट वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है। तो अब आप समझे कि संस्कृत में ऐसा नहीं होता कि भाई अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो वो इट ही कहलाएगा। अगर नॉन लिविंग थिंग है बट वो जाति पुरुष या स्त्री से बिलोंग करता है तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से ही आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वानर यानी बंदर। तो वानरः, वानरौ, वानराः यानी कि एक बंदर, दो बंदर, अनेक बंदर। नेक्स्ट है पिक यानी कि कोयल। पिकह, पिकौ, पिकाहा यानी कि एक कोयल, दो कोयल और अनेक कोयल। शुक, शुक यानी कि तोता। शुकह, शुकौ, शुकाहा यानी कि एक तोता, दो तोते, अनेक तोते। इस प्रकार फिर आगे एक ऊपर लाइन दी गई है। अकारांत पुल्लिंग के कुछ अन्य उदाहरण। तो सूर्य, तो देखो आप अभी तक क्या किया गया कि आपको हर एक शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया पुल्लिंग का। अब इन्होंने क्या किया कि रेंडमली देख दिया, किसी शब्द का एक वचन दिया है, किसी शब्द का दो वचन दिया है, किसी शब्द का बहुवचन दिया है, तो आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि पहला शब्द है सूर्य यानी कि एक सूर्य। उसके बाद है उष्ट्रौ। अब औ ऐसा सुनने से आपको पता चलेगा कि दो वचन, द्विवचन के बारे में बात है, और उष्ट्र यानी कि ऊंट, तो
तो उष्ट्रौ यानी कि दो ऊंट होते हैं। नेक्स्ट है काकाहा। अब आप काक शब्द समझिए, काक यानी कि कौवा। अब दिया है काकाहा यानी कि अनेक कौवे। सिमिलरली कुछ रैंडमली ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि चंद्रह यानी कि एक चांद, कर्णौ यानी कि दो कान, कुकुराहा यानी कि अनेक कुत्ते, मेघ यानी कि एक बादल, हस्तौ यानी कि दो हाथ, वृक्षाहा यानी कि अनेक पेड़, सरोवर यानी कि एक तालाब, चरणौ / पादौ यानी कि दो पैर, सर्पाहा अनेक सर्प, सिंह एक लायन, मूषकौ दो लायंस सॉरी माउसेस, और कपोताहा यानी कि अनेक कबूतर, मृग एक हिरण, गर्दभौ दो गधे, और अश्वाहा अनेक घोड़े। तो आज इस प्रकार हमने चैप्टर 2 के पार्ट 1 में, यानी कि आज का वीडियो चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, उसमें हमने शब्दों के तीन प्रकार देखे और तीन प्रकार के शब्दों के तीन तीन लिंग होते हैं ये हमने समझा, और अकारांत पुल्लिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, पुल एकवचन द्विवचन और बहुवचन के। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।